दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं हमारे देश इंडिया से जुड़ी कुछ खास और अमेजिंग बातें, जिसे सुन के आप हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, वैसे तो हम सभी को अपने देश के बारे में काफ़ी कुछ पता है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे देश ने कभी किसी देश पर पहले हमला नहीं किया है, जबकि हथियार बनाने में इंडिया सबसे आगे है। हमारा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। हमारे देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इंडिया दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में सबसे उन्नत सभ्यता है। जब बात हो रही हो दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ों की, तो हम आपको बता दें, इंडियन रेल एशिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और पूरी दुनिया में अमेरिका के बाद ये दूसरे नंबर पे आता है। इसमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या करीब 16 लाख है, जो कि कई देश जैसे वेटिकन सिटी, आइसलैंड, थाईलैंड की कुल जनसंख्या से भी ज़्यादा है। गोल्ड पहनना किसे पसंद नहीं है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं, दुनिया में मौजूद कुल सोने का 11% सिर्फ इंडिया की महिलाओं के पास है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसे हमारे देश की सभ्यता का हिस्सा माना जाता है। हमारे देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। भले ही ये काफ़ी पुराना हो चुका है, लेकिन आज भी बड़े से बड़ा सरकारी काम इसके बिना नहीं हो सकता। हमारा देश में डाक ऑफिस की संख्या दुनिया के किसी भी ऑफिस से ज़्यादा है। डाक ऑफिस आपको इंडिया के किसी भी शहर या गांव में मिल जाएगा। इंडिया अपने स्वादिष्ट खाने के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। साल भर टूरिस्ट यहाँ पे खान पान का स्वाद लेने आते हैं, चाहे गुजरात का फाफड़ा हो, पंजाब का पनीर टिक्का हो, या हो तमिलनाडु का इडली डोसा, जिसने इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपने स्वाद का जादू चला रखा है। खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसमें मसालों का उपयोग किया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे। पर क्या आपको पता है, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाने वाले मसालों का 70% उत्पादन हमारा देश इंडिया करता है। इसके अलावा हमारा देश चाय के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और दुनिया भर में बनाना यानी केले का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। शाकाहारी लोगों की संख्या इंडिया में दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। हमारे देश में करीब 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से 122 भाषाओं को यहाँ प्रमुख भाषा माना गया है। उसमें से 30 भाषाओं का उपयोग कम से कम 10 लाख लोग करते हैं, लेकिन इंडिया की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हिंदी आधिकारिक भाषा है, जो कि देश के ज़्यादातर स्टेट्स में बोली जाती है। इसके अलावा इंडिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा इंग्लिश है। स्पेस में किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट की बात करें तो इंडिया टॉप 5 देशों में शामिल है। चांद पर सबसे पहले पानी की खोज हमारे देश ने ही की थी। इंडिया ऐसा देश है जिसे अपने पहले ही प्रयास में मार्स यानी मंगल ग्रह पर यान भेज दिया था, वो भी दूसरे देशों से काफ़ी कम बजट में। इंडिया अकेला ऐसा देश है जिसमें खरीदी जाने वाली चीज़ों पर उसका MRP यानी प्राइस टैग लगा हुआ होता है। क्रिकेट के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन क्या आपको पता है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, जिसमें बैठकर करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग क्रिकेट का मज़ा ले सकते हैं, वो हमारे देश में ही है। इसको बनाने में 700 करोड़ से ज़्यादा का खर्चा हुआ। हमारा देश कबड्डी में सबसे अच्छा है। जी हाँ दोस्तों, अब तक खेले जा चुके कबड्डी के सभी 6 वर्ल्ड कप इंडिया ही के पास है। हमारे कबड्डी प्लेयर के लिए 1 लाइक तो बनता है दोस्तों। आज पूरी दुनिया में खेले जाने वाले चेस यानी शतरंज की शुरुआत भारत में ही हुई थी। लूडो और सांप सीढ़ी जैसे खेल की शुरुआत भी हमारे देश ने ही की थी। एजुकेशन के बारे में तो आप सब जानते हैं,
कि इसमें हमारा देश कितना आगे है। प्राचीन भारत में ज्ञान के 3 केंद्र थे, नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला, जैसे आज हार्वर्ड, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड है। लेकिन क्या आपको पता है, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसमें करीब 26,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे देश से जुड़ी कुछ खास चीज़ें। वैसे तो हमारे देश के बारे में एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है। मेगा प्रोजेक्ट्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, खूबसूरत जगह, हिस्टोरिकल मिथ्स, जैसी बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होंगी। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।